और बढ़ते आगे, रायगढ़ त्रिपुरा की युवती के साथ लव जिहाद का मामला सामने आया। दरअसल एक मुस्लिम शख्स ने पहचान छिपाकर उससे शादी की और चेन्नई में पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ उसके साथ विवाह किया। अपने घर कश्मीर ले जाकर उसका धर्म परिवर्तन करने का उस पर दबाव बनाया जाने लगा। दरअसल शख्स ने उसे इस्लाम कबूल करने के लिए दबाव बनाया। युवती मासूम बच्ची के साथ भागकर रायगढ़ पहुंची और पीड़िता ने रायगढ़ एसपी से अब मदद की गुहार लगाई है। यहाँ पर एक स्कूल में टीचर हूँ, यहाँ पर एक मुसलमान लड़का आके मुझे दम के जरिए मारने के लिए, और मैंने दो पुलिस स्टेशन सारी एप्लीकेशन और पुसो पुलिस स्टेशन, वो लोग मेरा एप्लीकेशन नहीं लिखा है। इसके बाद मैं 7 दिन जंगल में घूम रही, 7 दिन से ना खाना ना पीना कुछ भी, मेरा पास पैसा भी नहीं है। फिर मैं इसलिए आज इधर आया सर कि मुझे ऑनलाइन मिले, और मुझे सीएम को भी मैंने कॉल किया 3-4 बार, सीएम ने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। मैंने सबको कॉल किया, कोई भी मेरे साथ नहीं दिया, तो आज इसी वजह से मुझे कल तक ऑफिस में आना पड़ा और मुझे ऑनलाइन मिला। अगर मुझे ऑनलाइन नहीं मिला तो मैं सुसाइड कर लूंगी। उनको धर्म परिवर्तन के लिए बहुत डर लगा, ये है बताइए। उसका वो उनको पैसे की आवश्यकता थी तो बोले मुता विवाह करो। मुता विवाह एक मुस्लिम विधि में होता है, निश्चित समय के लिए, निश्चित धनराशि के लिए और निश्चित समय के लिए एक विवाह, उसको करने बोले, नमाज पढ़ने बोले, तरीके तरीके पधारना। तो लड़की किसी तरीके से भाग के रायगढ़ आई, भिकमपुरा सरिया में एक एनजीओ एक स्कूल वहाँ नौकरी कर रही, और इसकी स्थिति है कि 10 से 12 दिन से ये तो कभी स्टेशन होती है या कभी बस स्टैंड में या कहीं भी आउटर जा कहीं बैठ जाती बच्चे को लेकर, क्योंकि वो खुली धमकी दे दिया है कि तेरे को बच्चे को दोनों जान से मार डालूंगा, ये जैसा बताई वैसा। और बात करेंगे, हमारे सहयोगी युगल तिवारी भी हमारे साथ मौजूद हैं। युगल, अब तो कानून भी है कि अगर आपसे कोई पहचान छिपाकर विवाह करता है और बाद में धर्म परिवर्तन कराने के लिए अगर दबाव बनाया जाता तो ये दोनों ही गंभीर अपराध के दायरे में आते हैं। अभी फिलहाल क्या कार्रवाई चल रही है इस मामले में? जी बिल्कुल, देखिए त्रिपुरा की पीड़िता है और रियाज है जो गुलशन बनकर उसने शादी की, और पूरा जो परिचय है इनका सोशल साइट के माध्यम से हुआ, उसके बाद धीरे धीरे प्यार परवान चढ़ा। लेकिन जो युवक है, जो आरोपी है, उसने अपनी पहचान छुपाई है। जम्मू कश्मीर जब लेकर के पीड़िता को गई तब पता चला कि उसने धर्म परिवर्तन करने का लगातार वो दबाव है वो बना रहा है, और पहचान छुपा करके उसे शादी की है। इस मामले में चूंकि पीड़िता वहाँ किसी तरह से कश्मीर से भाग करके यहाँ पर आई, रायगढ़ में उसने पनाह लिया, आज रायगढ़ के सरिया में एक निजी स्कूल में शिक्षिका बतौर शिक्षिका वो पढ़ा रही है, और वो युवक वहाँ भी आ पहुँचा। तो आप इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह के उस आरोपी के हौसले हैं, वो बुलंद है। पीड़िता नौकरी छोड़ करके अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर वो भटक रही है, भाग रही है। उसके बाद अब जो कलेक्टर से, रायगढ़ के एसपी से उन्होंने गुहार लगाई है, देखने हैं कि कितनी तत्परता के साथ है पुलिस है ये कार्रवाई करती है। फिलहाल जिस तरह से पीड़िता ये बार बार अपनी व्यथा सुना रही, तो इससे साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं ये लव जिहाद का मामला सामने आ रहा है, और जिस तरह से धर्म को, अपने धर्मों को छुपा करके, नाम को परिवर्तन करके उसे झांसे में लेकर के शादी की है तो इसे साफ जाहिर होता है कि एक बड़ी जो साजिश है वो साफ तौर पर दिख रही है, और पुलिस ने इस मामले को संज्ञान में लिया है और विवेचना फिलहाल कर रही है। लेकिन पीड़िता है दर दर की ठोकरें खाने के लिए इधर उधर भटक रही है, क्योंकि उसके जान को भी लगातार खतरा है, वो त्रिपुरा की रहने वाली बताई जा रही है। जी आशीष, और चूंकि युवती को जान का भी खतरा है युगल, तो क्या किसी तरह का कोई संरक्षण, क्या पुलिस प्रोटेक्शन अब इस पीड़ित युवती को दी जाएगी? क्या स्थिति आगे फिलहाल बनती नजर आ रही है? जी देखिए, आज जिस तरह से पीड़िता अपने स्तर पर वो लड़ाई लड़ रही है, कश्मीर से वो कैसे भाग कर आई, एक बिल्कुल जांच का विषय भी है, और क्योंकि त्रिपुरा की रहने वाली है और वो छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में जो सरिया ब्लॉक है वहाँ पर पनाह ली है, और वहाँ पर आखिर जो युवक है वो कैसे आ पहुँचा, किस आधार पर वो वहाँ पर पहुँचा है, क्या उसका लोकेशन ट्रेस किया जा रहा है और आ करके यहाँ पर धमकी दी जा रही है। और चूँकि इससे पहले शासन प्रशासन के, पुलिस प्रशासन के
संज्ञान में ये बातें नहीं आई थी तो बात अलग था, लेकिन अब चूंकि सामने आ चुका है और जो आरोपी जो युवक है उसके हौसले आप देख सकते हैं कि वो कश्मीर से आकर के यहाँ पर धमकी दे रहा है और लगातार धर्म परिवर्तन करने का दबाव है वो बना रहा है, तो इससे साफ जाहिर है पीड़िता भयभीत है और पीड़िता की आप बीती आपने भी सुनी और हमारे तमाम जो दर्शक हैं उनने भी सुनी, तो इससे साफ जाहिर है कि ये गंभीर विषय है और इस दिशा में काम करने की जरूरत है। गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाइए कि त्रिपुरा की रहने वाली लड़की, कश्मीर का रहने वाला लड़का, चेन्नई में हुई शादी, अब वो इस वक्त छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में मौजूद है और ये पूरे भारत भ्रमण करके अपराध को अंजाम दिया जा रहा है और दबाव बनाया जा रहा है। बहरहाल देखना होगा युगल आगे की स्थिति क्या रहती है, पुलिस प्रोटेक्शन उसे मिल पाता है या नहीं, न्याय मिल पाता है या नहीं, यह भी देखने का विषय होगा। बहुत शुक्रिया आपका इस फिलहाल जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और बुरहानपुर में